गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो सबसे पहले ये टर्म समझते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी सेल से बना हुआ है, सेल से कम्पोज्ड है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से कंपोज्ड नहीं है। जितने भी लिविंग है बस उनका बॉडी सेल से बना हुआ है। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सेल से ही उस एक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो कंपोज्ड होगा। तो सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब है कि सेल के बेसिस पे, ठीक है, कि सेल का नंबर जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना है। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? तो आइए जान लेते हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसका बॉडी सिंगल सेल से कंपोज्ड है। इसका मतलब है उसका पूरा होल बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। उसके बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होंगे, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो आपके लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन वगैरह, ये सब प्रोसेस जो है वो अपने सिंगल सेल के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें अलग अलग सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसी तरह आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आ जाओ तो मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी, और सेलुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल। ठीक है, यूनि सेलुलर क्या है? यूनि हो गया सिंगल, और सेलुलर मीन्स सेल। इसका मतलब सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म कहलाएगा यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते, मल्टी मीन्स होता है मेनी, इसका मतलब है मेनी सेल से कंपोज्ड जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो मिलियंस ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? ह्यूमन बींग। जी हाँ, हम लोग क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से कंपोज्ड है। हमारे बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है, एनिमल्स में हो जाएंगे हॉर्स फ्लाई, ह्यूमन बींग, डॉग, हॉर्स, ये सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एनिमल्स में आएंगे। और अगर प्लांट्स की बात करें कि कौन कौन सा प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा, तो जैसे हो गए रोज, मैंगो, ठीक है, पी प्लांट, ये इनका जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, तो ये कहलाएंगे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका बॉडी सिंगल सेल से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसे यूनिसेलुलर कह रहे हैं। इसमें जितने भी एक्टिविटी होंगे अमीबा जो है अपना सिंगल सेल के थ्रू करेगा। अगर इसे फूड कैप्चर करना होगा या फिर इसे इजेशन करना होगा, तो ये सारे एक्टिविटीज अमीबा अपने सिंगल सेल से ही करेंगे। ठीक है, और अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही एग्जांपल है। ठीक है, अब आ जाइए कि एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। मतलब कि हम लोग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ये पता करेंगे कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि टोटल आपका 8 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स वो लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन कौन शो करता था? लिविंग थिंग्स। खाने की रिक्वायरमेंट किसे होती है? जिसमें जान होता है, ठीक है, जो लिविंग होते हैं उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है। क्या टेबल और चेयर को आपने कभी खाते हुए देखा है? नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो आपका क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो फूड के साथ कंबाइन करके फूड को ब्रेक करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कभी ऐसा प्रोसेस आपने नॉन लिविंग थिंग्स में देखा है? नो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे? लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन नहीं देखा जाता है। फिर है लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये आपका जो लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता है वो इंटरनली होता है। ठीक है, अंदर से उसके सेल के नंबर इंक्रीज करते हैं और एक बार जब ग्रोथ हो गया लिविंग थिंग्स का तो हम उसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप जो है इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, और अब वापस से आप एकदम बेबी बनना चाहोगे, एकदम छोटे बच्चे, तो आपका साइज जो है क्या रिड्यूस होगा? नहीं होगा। ठीक है, कि एक बार जब किसी लिविंग थिंग्स का साइज में अगर ग्रोथ हो जाता है, वो बढ़ जाते हैं, तो वापस से हम उसका साइज को छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में पहले तो ग्रोथ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नली होता है, बाहर से होता है। उसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर से सरफेस पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, तब जाकर उनका साइज बड़ा होता है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में क्या ऊपर से कोई चीज आके डिपॉजिट हो रहा है? नहीं, हमारी बॉडी का जो सेल का नंबर है वो इंटरनली वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तब जाके हमारा बॉडी का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में जनरली ग्रोथ नहीं देखे जाते। अगर है भी तो वो एक्सटर्नली होगा, जबकि लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ है वो इंटरनली होता है। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट नहीं करता है। फिर है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने नंबर को वो अपने बेबी को जन्म देते हैं और अपने फैमिली मेंबर को वो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स क्या होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपका किसी भी एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स हो करते हैं। जैसे कोई भी चेंजेस होगा हम लोग उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स हो करते हैं। तो लिविंग ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग थिंग्स में देखा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है जो अभी हम लोग पढ़े कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किस चीज के बने हुए? सेल के बने हुए। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सेल के नहीं बने हुए होते हैं। उसके बाद आ जाइए, ये तो आपका था कि कौन कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स पे हम लोग आते हैं जो लिविंग में भी होते हैं और नॉन लिविंग में भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो लिविंग में भी प्रेजेंट है और वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर कोई लिविंग है, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग लिविंग थिंग्स है, अगर हम लोग कहीं पे बैठ रहे हैं किसी टेबल चेयर में, तो हम लोग एक स्पेस ऑक्यूपाई करते, एक जगह वहां पे घेर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप किसी बेड को किसी रूम में जाकर रखते हो तो वो बेड भी तो जगह घेर रहा है ना, बेड भी आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि लिविंग थिंग्स भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। साथ साथ हमारा भी बॉडी का एक अपना शेप है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी एक अपना शेप है। ठीक है, हमारे बॉडी का भी मास होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास होता है। तो ये हो गए आपके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए कि और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए हैं। हम लोग लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट का बना हुआ होता है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं।
उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो आपके स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए तो होते हैं, लेकिन वो सेल के बने हुए नहीं होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट हमारा अलग है, उसका अलग है, लेकिन एक कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट तो है, इसलिए हम लोग इसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं कि हम लोग भी स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए होते हैं, लेकिन हम लोग दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल क्या है, लिविंग है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हम लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट के तो बने हुए होते हैं, लेकिन वो क्या, हम लोग लिविंग थिंग्स के केस में क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चरल यूनिट को सेल कहेंगे। ठीक है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के केस में हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चौक, ठीक है, जिससे हम लोग बोर्ड में लिखते हैं वो चौक भी है, वो आपका किस चीज का बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए होते हैं और लिविंग थिंग्स भी स्ट्रक्चरल यूनिट के बने हुए होते हैं।